मदयारे रे खादार जोगान ते सर्व गौंग शांति हे शांति रे वशांति सामान शांति रे दिन्यग समी आसे ततो नय भयं गुरु शन्नाय गुरु प्रजाभ्यो भयं नापसुभ्य गणाधि गणपते नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः पाणि हिरण गर्भाभ्यां पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आयोः पादयोः मुखे अर्घयोः सर्वाङ्ग स्नानीयं जलं समर्पयामि ॐ यथार्थनि मदन्त एव प्रियाय दुःखदाय स्तोखत स्वभानव विभ्रान विषयामति जो जानवेन्द्र समर्पयामि तुलसी पत्राणि इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदं माय समूढमस्य पाय कुंसुरे
Oh,
कल सायंकालीन बैठक में हम सब सांगोपांग श्रवण कर चुके हैं। अब हम सबों का प्रवेश श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश होने जा रहा है। श्री कृष्ण द्वयपायन वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्टेन ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुवकं सत्यं परं धीमहि। महात्मा में तो श्री कृष्णाय वयम नमः, लेकिन मूल कथा में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जब वंदना कर रहे श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी तो कहते हैं सत्यम परम धीम, न राम का नाम न कृष्ण का नाम न विष्णु का नाम। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि कहीं कोई ये न समझ बैठे कि सब अलग अलग है, इसीलिए सत्यम परम धीम और सत्य केवल परमात्मा। कहते जास सत्यता ते जड़ मात्र, कैसे सत्य स्वरूप परमात्मा को? बोले आदि सृष्टि जिन्हें जग उपजाय, आदि सृष्टि कपिल देव भगवान अपनी माँ देवहूति जी से कहते हैं माँ मैं अभी हूं ऐसा ही नहीं, मैं आपके गर्भ से जन्म लिया हूं ऐसा ही नहीं, इसके पहले भी मैं। क्या श्री सीताराम जी का मिलन जनकपुर की वाटिका में प्रथम मिलन है, अथवा क्या जनक जी ने जब श्री किशोरी जी का हाथ अपने हाथों राम जी के करकमल में सौंपा है तब से श्री किशोरी जी उनकी है? नहीं, शाश्वत है महाराज, शाश्वत। जिस समय मनु शत्रुपा जी को वरदान देने के लिए प्रकट हुए थे उस समय दोनों प्रकट हुए थे, एक साथ श्री सीताराम। अब कोई ये मान ले कि अरे ये तो दशरथ जी के पुत्र हैं, तो दशरथ जी के पुत्र हैं, लेकिन उनके देखा जाए तो आदि सृष्टि जिस समय कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा जी भी नहीं, आदि सृष्टि नहीं जगत, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं। सत्यम परम धीम और लौकिक सत्य नहीं, परम सत्य, जिस सत्य को कोई काट नहीं सकता। महाराज जी इस प्रकरण में एक उदाहरण दिया करते हैं, दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी चल रही, तो गाड़ी क्या स्वतः चल रही है? नहीं, गाड़ी को चलाने वाला कोई चालक बैठा है, ड्राइवर बैठा हुआ है, और ड्राइवर कैसे चला रहा है? बोले उस गाड़ी में लगे हुए इंजन के मदद से। अब अगर कोई कहे कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उस ड्राइवर का ड्राइविंग कौन कर रहा है? गाड़ी का तो ड्राइविंग वो कर रहा है, लेकिन ड्राइवर का? बोले उसके अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा, और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी चल रही हो, तो गाड़ी स्वयं थोड़ी चल रही है, लगता है कि हम इस क्रिया को संपादित कर रहे हैं। नहीं, हमारे द्वारा संपादित करवाई जा रही है, गाड़ी स्वतः नहीं चलती, चलाने वाला कोई है। वैसे ही इस जीव को चलाने के लिए वो आत्मा में विराजमान परमात्मा, अगर वो अपने आप को अंतर्ध्यान कर ले तो शरीर रहते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते,
तू कोमा में पहुंच जा तब क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। और हमारी मृत्यु के बाद भी जिसकी सत्ता वर्ग बनी रहे, वैसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। कहते अणु अणियान महतो महिया, चींटी के भी हृदय में है और हाथी के भी हृदय में, चेतन की कौन कहे जड़ में भी। नृसिंह बसे प्रतिखंभन, जड़ में भी है और वही नहीं मारा। कहते हम ही नहीं प्रकट हो सकते हैं, हमारे भक्त भी पाषाण से प्रकट होते हैं। क्या भक्त भी पाषाण से प्रकट होते हैं कहीं? बोले हाँ। कहा कब? बोले श्री अहिल्या जी प्रकट हुए। हम ही नहीं, हमारे जो दास हैं उनमें भी कहीं भी प्रकट होने की सामर्थ्य आ जाती है। अणु अणियान महतो महिया, और वो सभी के परमात्मा का स्वरूप। प्रथम श्लोक में परमात्मा है क्या, इसके स्वरूप का वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी। बोले सभी के सब कुछ जानते हैं, हमें कुछ जानना हो तो पुस्तक का सहारा लेना पड़ता है, जानकारी के लिए रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उस परमात्मा को कोई सूचना देने के लिए अथवा प्राप्त करने के लिए मोबाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती। रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर न्यूज़पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते सो जान नहीं जेही देही जना, वही जान सकता है उनको जिसको वो चाहे, ये मेरे संबंध में कुछ जान। कोई कहे कि हम भगवान के संबंध में पूरा पूरा